अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज हम कुरानी और मसनून दुआएं याद करना स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पहली दुआ याद करेंगे। आप लोगों को अगर कुरानी और मसनून दुआओं के लिए कोई एप्लीकेशन चाहिए तो मैं आपको एप्लीकेशन बता देती हूँ, जिसमें से देखकर भी आप पढ़ सकते हैं और उसमें ऑडियो भी मौजूद है, आप ऑडियो भी सुन सकते हैं। तो कुरानी और मसनून दुआओं की ऐप है प्ले स्टोर पर, दिस वन। ये ऊपर जो हैं वो कुरानी दुआएं हैं और ये वाली मसनून दुआएं। इन पर आप क्लिक करते हैं तो कुरानी दुआएं खुल जाती हैं विद तर्जुमा एंड रेफरेंस, ठीक है। और बाकी जो हैं ब्लू, उसमें वो मसनून दुआएं। तो हम कुरानी दुआओं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज हम पहली दुआ याद करेंगे। दुआ करने से पहले हम हमेशा अल्लाह सुबहानु ताला की हम बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, तो हम वही पढ़ेंगे सबसे पहले। पहले हम अल्लाह सुबहानु ताला की तस्बीह करेंगे, उसकी हम बयान करेंगे और फिर दरूद शरीफ पढ़ेंगे और फिर हम अपनी दुआ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सुबहानल्लाहि سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي أمي وعلى آل محمد وعلى آل محمد। इसका तर्जुमा बता देती हूँ। हम जब भी कोई चीज़ पढ़ेंगे तो हमें उसका तर्जुमा लाजमी मालूम होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम क्या मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम, इसका मतलब है पाक है अल्लाह और उसी की तारीफ़ है, पाक है अल्लाह बहुत बड़ा अजमत वाला। दरूद शरीफ़ जो हमने पढ़ा वो छोटा दरूद शरीफ़ है, उसको आप दुआ से पहले और दुआ के इख्तिताम पर पढ़ सकते हैं। उसका भी तर्जुमा मैं आपको बता देती हूँ। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा। ए अल्लाह, नबी उम्मी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा। अब यहाँ से हम अपनी पहली दुआ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहली पहली दुआ जो है वो हमारे इल्म से रिलेटेड ही है। जब भी हम किसी इल्म की मजलिस में, चाहे वो हमारा क्लासरूम हो या चाहे हमारी कुरान क्लास हो या चाहे हमारा किसी भी तरह का लेक्चर हो, मजलिस हो, तो हम उससे पहले ये वाली दुआ रीड करते हैं। वो दुआ ये है, रब्बिश्रहली सौदरी वयस्सिरली अम्री वहलुल उकदतम मिल्लिसानी यफ़क़हू कौली रब्बिश्रहली सौदरी रब्बिश्रहली सौदरी वयस्सिरली अम्री। अब यहाँ तक आप देख कर पढ़ें एक दफ़ा, रब्बिश्रहली सौदरी वयस्सिरली अम्री। अब एक दफ़ा ज़ुबानी पढ़ें, रब्बिश्रहली सौदरी वयस्सिरली अम्री। अब दो दफ़ा ज़ुबानी पढ़ें, रब्बिश्रहली सौदरी वयस्सिरली अम्री। वहलुल उकदतम मिन लिसानी मिल लिसानी
واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني. अब इसको आप एक दफ़ा देख कर पढ़ें. واحلل عقدة من لساني. दो दफ़ा ज़ुबानी. واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني. एक दफ़ा और ज़ुबानी. واحلل عقدة من لساني. अब शुरू से लेकर यहाँ तक एक दफ़ा ज़ुबानी पढ़ें. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي. अब इसको आप ज़ुबानी पढ़ें. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني यफ़क़हु क़ौली. माशाल्लाह. अब हम इसका तर्जुमा भी देखते हैं. रब्बिशरहली सदरी, इसका मतलब है ए मेरे रब मेरा सीना खोल दे. वयस्सिरली अमरी, और मेरा काम आसान कर दे. वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे. यफ़क़हु क़ौली, ताकि वो मेरी बात समझ सकें. ये दुआ आप याद कीजिए, और आप में से कोई मुझे सुनाना चाहे तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे सुना सकता है. और इंशाल्लाह ताला कल हम एक और दुआ याद करेंगे. जज़ाकुमुल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.